दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रोटी से परिचय करवाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने डॉग को मोटा, तगड़ा और हेल्दी रखना है तो आपको यही रोटी खिलानी पड़ेगी, तभी आप उसे हेल्दी रख पाएंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम हमारे जो भी डॉग्स हैं उनको घर पे जो रोटी बनती है वही रोटी हम उनको खिला देते हैं, चाहे वो गेहूं की है, बाजरा की है, मक्का की है, जो भी रोटी हम बनाते हैं वही रोटी हम अपने पेट्स को, हम अपने डॉग्स को खिला देते हैं। अब भाई वो रोटी उसके लिए फायदा करती है या नुकसान, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आज एक ऐसी रोटी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जो आप निसंकोच होकर के खिला सकते हैं, आपके डॉग को फायदा ही करेगी, कभी नुकसान नहीं कर सकती। जी हाँ, वो रोटी आप किस आटे से बनाएंगे? आपको पता है रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, और वो आटा जो है उसका नाम है मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन, मल्टी मतलब बहुत सारे, ग्रेन्स मतलब अनाज, यानी बहुत सारे अनाजों को मिला करके कई कंपनियां जो है वो ऐसा आटा तैयार करती है, उसको हम मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं। और ये जो मल्टीग्रेन आटा होता है ना भाई, गेहूं की रोटी अकेली खिलाओ एलर्जिक होती है, बाजरे की खिलाओ प्रॉब्लम कर देती है, मक्का की भी प्रॉब्लम कर देती है, लेकिन अगर मल्टीग्रेन आटा है जिसमें बहुत सारे अनाज मिले हुए हैं और उनकी अगर आप रोटी अपने डॉग्स को खिलाते हैं तो फिर देखिएगा जो वजन और हेल्थ में जो फर्क पड़ेगा, और जो बीमारियां हो रही थी बिल्कुल भी नहीं होगी, और मोटा तगड़ा एकदम से हेल्दी हो जाएगा। हाँ, खिलानी कितनी है, कैसे खिलानी है, ये सारी बातें अलग है। जैसे आप नॉर्मल रोटी देते हैं उसी तरीके से इस रोटी को बनाना है, उसी तरीके से इस रोटी को खिलाना है। कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं जो अलग से कुछ हो, लेकिन अलग से जो है वो है आटे वाली, क्योंकि ये किस आटे से बनी हुई है, ये बनी हुई है मल्टीग्रेन आटे से। तो अगर आप भी अपने डॉग्स को गेहूं की रोटी दे रहे हैं या कोई और रोटी दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, एलर्जी हो सकती है, एनी काइंड्स ऑफ इश्यूज, दूसरे प्रकार के बहुत सारे इश्यूज कर सकती है। इसीलिए आप यूज कीजिए मल्टीग्रेन आटा और इसकी रोटी यूज कीजिए, फिर देखिए शानदार फर्क आपके डॉग्स में नजर आएगा।